सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर एसडीएम की छापामार कार्रवाई। धड़ल्ले से चल रहा था मिलावटी मसाले का कारोबार। छतरपुर शहर में धड़ल्ले से चल रहे मिलावटी मसाले की फैक्ट्री पर एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार रंजना यादव के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ नगर पालिका छतरपुर स्टाफ व पुलिस प्रशासन ने सामूहिक कार्रवाई करते हुए राठौर ट्रेडर्स मसाला फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में मौजूद समस्त माल को जब्त कर लिया। उक्त फैक्ट्री पर यह छापामार कार्रवाई दूसरी बार की गई है। पहले भी इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली मसाला बनाने का सामान मिला था। फैक्ट्री में मौजूद मिलावटी सामान व इतना बड़ा मिलावटी कारोबार को देखकर एसडीएम अखिल राठौर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई कि वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्हें इस मिलावटी मसाले के संचालन की जानकारी नहीं थी। एसडीएम ने बताया कि संपूर्ण मिलावटी मसाले को नष्ट कराया जाएगा, साथ ही फैक्ट्री संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से ये पूरा मार्केट में जा रहा था, जो मार्केट में कई दुकानों आम लोगों के घर तक पहुँचता था। देखिए राठौर के उसके नाम से एक वहाँ पर मसाला संचालित है, इसमें जो जांच की गई थी मसालों की फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, तो वो पदार्थ अनसेफ पाए गए हैं, तो उनके विनिष्टीकरण कार्रवाई की जा रही है। और अगर आगे जाकर इस प्रकरण को सीजन कोर्ट में करवाया जाएगा। सर कितना माल यहाँ पे है जो आप? माल काफ़ी संख्या में मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 डंपर माल होगा, क्योंकि मैं बताना तो संभव नहीं। सर फैक्ट्री मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? फैक्ट्री मालिक के ऊपर सीजीएम कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसमें जेल और जुर्माना दोनों की कार्रवाई है, तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अरे आपने FIR की आदेश करे थे, तो अभी अगर इसमें ऐसा बताया कि FIR करवाना आवश्यक है तो सभी के विरुद्ध FIR की कार्रवाई। इसके पूर्व भी इस वाली फैक्ट्री पे छापा पड़ चुका है, इस संबंध में आपको जब तक जानकारी? मेरे आने से पहले इस फैक्ट्री को सील कराया गया था, पर उसके बाद का कार्रवाई हो जाता है। सर जो मसाले चल रहे हैं मार्केट में काफ़ी टाइम से बिक रहे थे, और जब कार्रवाई हुई तब ये मालूम पड़ा, तक इस टाइप से कई मसाले और मार्केट में हो सकते हैं, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, उन पर क्या कार्रवाई? मेरे द्वारा जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, मैंने आपके साथ कहा था कि सभी मिलावट को और जो गलत काम कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, वो लोग इन कामों को छोड़ दें, और जो वैधानिक कार्य हैं उसके अनुसार, नियमानुसार, शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करें, अन्यथा स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।